बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि राष्ट्रकवि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का बिलासपुर से कुछ समय का सही, लेकिन उनका नाता यहाँ से जुड़ा हुआ है। आपको जानकर यह हैरानी नहीं होनी चाहिए कि गुरुदेव ने अपनी काफी लोकप्रिय कविता फांकी की पूरी रचना यहीं से पूरी की थी। उन चंद लम्हों को शहर के कुछ प्रबुद्ध लोगों ने आज भी सहज कर रखा है। लोग बताते हैं कि राष्ट्रकवि रविन्द्रनाथ टैगोर के पांव पड़ते ही बिलासपुर की धरती धन्य हो गई थी। वो अद्भुत क्षण था पूरे इतिहास का, जब उन्होंने रेलवे स्टेशन के प्रतीक्षालय में बैठकर अपनी कविता लेखन की शुरुआत की थी। आज भी रेलवे ने उस कविता की पंक्तियों को रेलवे स्टेशन सहजते हुए उकेर कर रखा है। 1918 में गुरुदेव का आगमन हुआ था रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, और एक अद्भुत व्यक्तित्व, एक ऐसा व्यक्तित्व विश्व का कि जिसकी दो कविताएं जो हैं राष्ट्रगीत के रूप में स्थापित हैं, एक तो भारत का जनगणमन अधिनायक जय है, दूसरा जो है अमार सोनार बांग्लादेश अमी मातो बाशी, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। एक ऐसा अद्भुत पुरुष जिसे साहित्य का प्रथम हिंदुस्तानी होने पर नोबेल पुरस्कार मिला, उन गुरुदेव के चरण पड़े थे सन 1918 में बिलासपुर के रेलवे स्टेशन में। जैसा हमने अपने बड़े लोगों से सुना है कि अपनी पत्नी के इलाज के लिए वो गौरेला आए थे, उस समय गौरेला का जो सेनेटोरियम था बहुत प्रसिद्ध था, तो उनको टीबी की बीमारी थी उनके समय श्रीमती जी को, तो उनके इलाज के लिए वो गौरेला आए थे। तो ये बिलासपुर का सौभाग्य था कि महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी बिलासपुर में एक रात स्टेशन में रुके थे। यहाँ रुकने पर उन्होंने एक कविता भी की रचना की थी, ऐसा मुझे याद आ रहा है कि उसका नाम पाखी था। और ये बिलासपुर का सौभाग्य है कि ऐसे महान कवि हमारे बिलासपुर आए, रात को रुके और अपना समय यहाँ दिया उन्होंने। बिलासपुर के किशोरीलाल गुप्ता की माने तो अपनी पत्नी के इलाज के लिए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर बिलासपुर पहुंचे थे। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर उन्होंने फांकी कविता की रचना की थी, जिसकी स्मृति आज भी लोगों के जेहन में है। न्यायधानी बिलासपुर की एक अलग सांस्कृतिक पहचान है, लेकिन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के बिलासपुर आगमन से जुड़ी यादों को कविता के माध्यम से बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर उकेर कर रखा गया है, जिस पर बिलासपुर वासी आज भी गर्व करते हैं। एक तरह से यह सांस्कृतिक धरोहर की तरह है। सुलेमान खां, ईटीवी भारत, बिलासपुर।